दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो का टॉपिक है रिजल्ट में गड़बड़ी और फेल छात्रों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी एक आया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी जिनका रिजल्ट अब फंस गया है किसी कारणवश, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको पोस्टर पर देखने को नहीं मिल रहा होगा, जैसे कोई छात्र का रिजल्ट जो वेबसाइट पर रिजल्ट आता है उसमें पास लिखा हुआ है, लेकिन जो कॉलेज द्वारा मार्कशीट मिलता है फाइनल मार्कशीट, उसमें उसको फेल कर दिया गया है। ऐसे छात्रों का समस्याओं का समाधान क्या है, उन लोगों के लिए समाधान भी आ गया है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं सभी चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा। क्या है आज की अपडेट, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों चलते हैं देर किए बिना खबर पर कि क्या है खबर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये जो है पेपर का कटिंग है, ठीक है, ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है और मैं इसको टेलीग्राम पर भी भेज दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस पेपर का हेडलाइन देखिए, इस अखबार का जो हेडलाइन है, मार्कशीट में पास और अंक चार्ट में फेल मामले की होगी जाँच। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट में पास लिखा हुआ है और जब वहाँ उनको डिग्री मिला या फिर जब कॉलेज से फाइनल मार्कशीट मिला तो उसमें फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो उन छात्रों के लिए क्या समाधान होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरी खबर पढ़ देते हैं आपको। एक इसमें ऐसा ही वाक्या सामने आया है जो कि किसी छात्र के द्वारा यूनिवर्सिटी को सूचित किया गया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक SIT का गठन किया है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो गठन हुआ है इसी मामले को जाँच के लिए। अब आइए पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। अंक तालिका में पास और अंक चार्ट में फेल मामले की जांच अब SIT करेगी। यह मामला गुरुवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में लिया गया। छात्र संतोष कुमार गौड़ ने वर्ष 2011 से 15 में BSc पास की थी। स्नातक की उपाधि लेने के लिए छात्र ने ऑनलाइन आवेदन किया। छात्र द्वारा अपलोड की गई BSc प्रथम वर्ष के अंक तालिका में वह पास है, जबकि विश्वविद्यालय के अंक चार्ट में वह फेल है। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने इस मामले की जांच SIT को सौंप दी है। CSJMU के सेंटर ऑफ एकेडमिक में गुरुवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 बिंदुओं पर चर्चा हुई। लखीमपुर खीरी के एक कॉलेज के 216 छात्र छात्राओं का परीक्षा का परिणाम रुका हुआ है। वजह, इन छात्र छात्राओं का उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय को प्राप्त ही नहीं हुई है। यानी दोस्तों जिनका रिजल्ट फंस गया था, एक कॉलेज लखीमपुर का था जिनमें 216 छात्र छात्राओं का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, और उसका कारण ये था कि कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को कॉपी भेजा ही नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम लिया कि नहीं लिया इसका भी कोई गारंटी यूनिवर्सिटी नहीं लेता है। एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, उस कॉलेज ने पेपर लिया कि नहीं लिया, इस बात को भी पता यूनिवर्सिटी को नहीं है। तो अब उनका रिजल्ट का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैठक में इन छात्र छात्राओं को औसत अंकों के आधार पर पास करने का फैसला हुआ। यानी दोस्तों जिनका रिजल्ट अभी तक फंस गया है उनको औसत अंक देकर के पास किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका तो कॉपी यूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं। वहीं कॉलेज पर जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार, CDC निदेशक प्रोफेसर RK द्विवेदी, प्रोफेसर विवेक द्विवेदी, कूटा अध्यक्ष प्रोफेसर BD पांडे और अध्यक्ष सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। दोस्तों ये थी खबर, जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो अब उसके लिए SIT का गठन हुआ है, जो कि SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो इस मामले को गंभीरता से जांच करेगी और इसमें स्टूडेंट का रिजल्ट में ऐसा इस प्रकार का गड़बड़ी देखा जाएगा उसका समाधान करने के लिए SIT बनाया गया है। देखिए इस SIT का क्या प्रभाव होता है, क्या सकारात्मक प्रभाव आता है, क्या सकारात्मक रिजल्ट आता है या नहीं, अभी तो देखने वाली बात है। लेकिन इसके लिए SIT का गठन हुआ है, जो कि छात्रों के लिए एक राहत भरी और बहुत खुशखबरी वाली खबर है, ताकि ऐसे समस्याओं का समाधान किया जा सके। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।